हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल गेल इंडिया लिमिटेड से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडियन सिटीजन है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो गया है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सोलह अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है गेल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल साइट से ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे जो पोस्ट रहेंगे वेरियस पोस्ट हैं तो पोस्ट के अकॉर्डिंगली जो क्वालिफिकेशन है आई टी आई होल्डर्स के लिए भी कुछ पोस्ट हैं डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग में तो आपके लिए पोस्ट है डिग्री अगर आपने ली हुई है इंजीनियरिंग में तो भी आपके लिए वैकेंसीज हैं सो तो ये जो क्वालिफिकेशन अगर आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर इनमें से कोई एक आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं डिफरेंट पोस्ट है तो सैलरी भी डिफरेंट रहेगी एक पोस्ट कुछ पोस्ट की मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ इसके अलावा जो अदर पोस्ट है उनके लिए सैलरी भी डिफरेंट है सो so, चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आप भी चेक जरूर कीजिएगा चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं सो so, यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं गेल इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फोरफिलिंग अप फॉलोइंग पोस्ट पोस्ट देखेंगे यहां पर जूनियर इंजीनियर केमिकल जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल फॉर्म फॉर इलेक्ट्रिकल फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर्मेल मैकेनिकल सिविल जूनियर सुपरिनटेंडेंट ऑफिसियल लैंग्वेज जूनियर सुपरिंटेंडेंट एच आर जूनियर केमिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी ऑपरेटर टेक्नीशियन एंड ऑपरेटर फायर असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज अकाउंट असिस्टेंट साथ में है मार्केटिंग असिस्टेंट की भी पोस्ट है तो ये यहाँ पर टोटल जो पोस्ट आप देख रहे हैं दो सौ बयासी टोटल पोस्ट है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपकी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपके लिए कितनी वैकेंसीज वैकेंसी आप देख लेंगे एंड पर मैंने आपको बताया पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं तो अभी आप देख रहे हैं किस पोस्ट के लिए कौन कितनी पोस्ट हैं जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं टोटल सेवनटीन है सत्रह है, है ओके चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी इसल क्वालिफिकेशन तो जूनियर इंजीनियर केमिकल की जो सैलरी रहेगी पैतीस से स्टार्टिंग रहेगी एज आपकी अपर एज लिमिट फोर्टी है मिनिमम एज एट्टीन uh, ईयर रखी गई है और मैक्सिमम आपको यहाँ पर दी गई है ओके पोस्ट के हिसाब से आपको दी गई है ग्रेड एस सेवन है डिप्लोमा अगर आपने इंजीनियरिंग में किया है केमिकल पेट्रोकेमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट के साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें कम से कम आठ साल का आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी सैलरी सेम रहेगी एज लिमिट भी अपर एज लिमिट 45 फाइव ईयर रखी गई है फॉर एस टी कैटेगरी एंड 55 फाइव ईयर फॉर पीडब्ल्यू डी एस टी कैटेगरी के लिए यहाँ पर भी डिप्लोमा रिक्वायर्ड रखा गया आठ साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉरमेन इलेक्ट्रिकल के लिए भी डिप्लोमा मांगा गया है सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग उनतीस हजार से एक लाख बीस हजार रहेगी दो साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है सो so, यहाँ पर जो पोस्ट आप देख रहे हैं फॉरमेन की है सिविल में है जूनियर सुप्रिंटेंडेंट के लिए जो पे स्केल है उन्तीस हजार से स्टार्ट रहेगा बैचलर डिग्री अगर आपने यहाँ आप पर ली हुई है तीन साल के ड्यूरेशन में हिंदी लिटरेचर विद मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा इसमें भी एक्सपीरियंस जितनी भी पोस्ट हैं सभी में एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड है लेकिन किसी में एक साल का है किसी में दो तो साल का है किसी में तीन साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर सभी पोस्ट पर मांगा गया है जूनियर सुपरिंटेंडेंट एच के लिए भी आप देख सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे जूनियर केमिस्ट की तो इसमें मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड रखी गई है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए बैचलर डिग्री आपने साइंस में की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगेन वन ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर है ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है एंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर टेंथ प्लस आईटीआई रिक्वायर्ड रखा गया है आपने अप्रेंटिसिप किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी दो साल का एक्सपीरियंस है टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में इसमें भी मैट्रिक एंड आईटीआई अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल मैकेनिकल में भी टेंथ एंड आई टी होल्डर्स एलिजिबल हैं टेक्नीशियन टेलीकॉम टेलीमेट्री में इसमें भी टेंथ एंड आई होल्डर ऑपरेटर फायर के लिए ट्वेल्थ पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं बिथ सिक्स मंथ का आपके पास फाइवेंस ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने किया तो अप्लाई करेंगे अगर मैं यहाँ बोलना चाहूंगी सभी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है किसी में एक साल का किसी में दो साल का किसी किसी में तीन साल का और आठ साल तक का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट सो यहां पर अब हम देखेंगे टेबल सेकेंड यहां पर दी गई है डिग्री डिप्लोमा वगैरह यहां पर डिटेल में दिया गया है कुछ कंडीशन यहां पर लगेंगी जो आप यहाँ चेक कीजिएगा अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर 2022 इसलिए आपकी जो एज है वो भी 15 सितंबर 2022 के बेस पर ही देखी जाएगी किस तरह से रिलैक्सेशन रहेगा वो यहाँ पर दिया गया पे स्केल आपके ग्रेड के अनुसार मैंने पहले आपको बता दिया है आप यहाँ भी एक बार फिर से चेक कर सकते हैं सैलरी क्या रहेगी एप्लीकेशन फीस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कैंडिडेट बिलोंगिंग जनरल ईडब्ल्यू एस एंड ओबीसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए पचास रुपए एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल है एंड एस सी एस टी कैंडिडेट जो रहेंगे पीडब्लू डी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको फीस पे नहीं करनी है ओके okay? अब देखिए यहाँ पर डेट दी गई है 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं 15 सितंबर सॉरी 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं 15 सितंबर 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे गेल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल साइट से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सो so, सारे जो भी रिक्वायरमेंट हाँ इससे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर हम अकॉर्डिंग टू पोस्ट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है जैसे कि एस सेवन जो पोस्ट है और एस फाइव की जो पोस्ट है एक जूनियर सुपरिटेंडेंट इसमें रिटर्न टेस्ट होगा ट्रेड टेस्ट होगा और जो सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशियंसी टेस्ट भी होगा या ट्रांसलेशन टेस्ट होगा जूनियर सुपरिटेंडेंट एच के लिए रिटर्न टेस्ट होगा स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशियं टेस्ट होगा फार्मेन के लिए रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा इसके अलावा एस की जितनी भी पोस्ट है उसमें भी रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसमें रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा असिस्टेंट स्टोर परचेज मार्केटिंग असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट इनके लिए रिटर्न टेस्ट या और स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें हो सकता है सो so ये है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ओनली इंडियन नेशनल्स एवब 18 ईयर यानी मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए मैक्सिमम पोस्ट के हिसाब से सभी पोस्ट में अभी मैंने आपको बताया था फोर्टी फाइव ईयर तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे ओके सो चलिए ये हमने सब कुछ देख लिया है सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं अगर आप इसमें एलिजिबल हों तो अप्लाई कर सकते हैं एक बार आप फिर से यहाँ पर डेट देख सकते हैं सोलह अगस्त से लेकर के पंद्रह सितंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ओके okay? सो so वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अप्लाई करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा थैंक यू